हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। बच गए शाम के साथ और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेकर रीजनिंग का आज पहला क्लास दोस्तों, फॉर ऑल एग्जाम्स एनबीई स्पेशल। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर क्या आज पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस को। किसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों? क्यूब एंड डाइस को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ना, सारा का सारा मैं क्लास लेने वाला हूँ। जो जो भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है मैं सब पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप लोग एक्स्ट्रा शॉर्ट जो चैनल है ना, एक्स्ट्रा शॉर्ट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर 4-5 घंटे की मैराथन क्लास लाने वाला हूँ, ठीक है ना। एक ही दिन में रीजनिंग खत्म और एक ही दिन में मैथ खत्म, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बस ऐसे पढ़ा दिया, 4-5 घंटे क्लास आएगा सैटरडे को इस पर, और एक्स्ट्रा शॉर्ट पे मतलब मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन। देखिएगा, मजा ना आए तो फिर कहिएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी तो मैराथन क्लास इस पे चलेंगे और एडवांस में 20 पे इसी पे कुछ ना हद तक चलाऊंगा। एक्स्ट्रा शॉर्ट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चैनल हमारा है मैथ्स मैजिक विद सागर सर, मैथ्स मैजिक विद सागर सर, इन दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं टीसीएस बेस्ड, ठीक है। आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड डाइस दोस्तों। ज्यादा चूंकि आपका एग्जाम नजदीक है ना, तो मैं प्रयास करूंगा 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और 3 × 10 = 30, 10 चैप्टर के आसपास जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा। कैलेंडर और क्लॉक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये डाइस चल रहा है, फिर सिलोगिन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, जो भी बचेंगे सबका क्वेश्चन लूंगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले यहाँ पे घन की बात करेंगे। ये जो घन होता है दोस्तों, सबसे पहले हम घन की बात करेंगे अर्थात क्यूब की बात करेंगे दोस्तों। बहुत लोग पूछते हैं क्यूब किसे कहते हैं, तो जो क्यूब होता है दोस्तों, यह प्योर जो है वर्गों से बना होता है। यह किससे बना होता है? वर्गों से बना होता है। किससे बना होता है? वर्ग। और वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा इस तरीके से बराबर होती है, ठीक है, ये कहलाता है वर्ग। जिसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी उसे हम वर्ग कहेंगे। तो घन किससे बना होता है दोस्तों? वर्गों से बना होता है। आप इतना फिलहाल के लिए चीज जान लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा ना इस तरीके से, ठीक है, ये जो इक्वल आता है यहाँ पे, ये कहलाता है घन, ठीक है ना। क्या कहलाता है? घन। लेकिन अगर हम यू बात करें पासे की, तो पासे में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? जो हमारा पासा होता है ना, जो हमारा पासा होता है, यह किससे बना होता है? यह वर्गों से भी बना हो सकता है और आयतों से भी बना हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारा पासा होता है, वर्गाकार या आयताकार दोनों हो सकता है, ठीक है दोस्तों। हमें बात करनी है सिर्फ पासे की, क्योंकि हमें पासा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम पासे की बात करते हैं। पासा बोले तो इंग्लिश में डाइस दोस्तों, ये क्लास बायलिंगुअल है। पासा दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक की बात करेंगे मानक पासा, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा। ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया मानक पासा। और एक होता है दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम बोलते हैं साधारण पासा। अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा ना, जिससे ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस हो गया मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया साधारण पासा। अब दोस्तों जो साधारण पासा होता है ना, यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है क्लोज डाइस, क्या होता है दिख रहा है ना, क्लोज डाइस, और एक होता है ओपन डाइस। हमें जो क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में आते हैं ना, इन्हीं दोनों के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चंस जो है देता है। एक देता क्लोज डाइस पर और एक देता ओपन डाइस पर, ठीक है। तो हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मानक पासा से। डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करेंगे मानक पासा से, ठीक है। यानी कि इसको पहले पढ़ेंगे फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है चीजों को क्लियर करते हुए दोस्तों चलूंगा। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो भी है, मॉक टेस्ट को जल्द से जल्द आप सभी लोग क्या करिए, परचेज कर लीजिए दोस्तों। हम बात करेंगे मानक पासा की। किसकी बात करेंगे? मानक पासा की। मानक पासा बोले तो स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा बोले तो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? साधारण, जो आप लोगों ने देखा सांप सीढ़ी लूडो में ना, जो आपने सांप सीढ़ी लूडो खेला होता है, उसमें स्टैंडर्ड डाइस का जो है यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत दिन हो गया इसको, इस चीज को पढ़ाए हुए, थोड़ा सा खराब बनेगा तो साथ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे ये जो मानक पासा होता है दोस्तों,
इनके जो विपरीत फलक होते हैं ना, इनके विपरीत फलकों का योग सात होता है, विपरीत फलकों का योग सात होता है। जो इसके विपरीत फलकों का योग होता है वो कितना होता है दोस्तों, सात होता है। विपरीत फलक मतलब अगर एक का पूछ लेना कि एक का अपोजिट क्या है, तो वन के अपोजिट जो है दोस्तों सिक्स हो जाएगा, टू का पूछ लिया टू के अपोजिट फाइव हो गया, थ्री का पूछ लिया थ्री के अपोजिट फोर हो गया। ये जो होते हैं ना विपरीत फलकों का योग इनके क्या होता है, सात होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो इनके यहाँ पे होते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, एक प्लस दो ये मिलकर सात हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो दिखने वाले जो दो मतलब होते हैं उनका योग किसी भी तरीके से सात नहीं होता है, केवल विपरीत फलकों का योग सात होता है। आपने तीन प्लस एक या सात के बराबर है दोस्तों, नहीं है। हम बात कर देंगे एक प्लस दो तीन प्लस एक, तीन प्लस एक तीन प्लस दो, ये भी सात नहीं है। यानी कि जो दिखने वाले पासे होते हैं ना, यानी कि जो सामने दिखने वाले फलक होते हैं उनका योग कभी भी सात नहीं होता है, लेकिन जो विपरीत फलक होते हैं ना उनका योग सात होता है। सिंपल सी बात, आप सभी लोग मानक पासा को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए, अब लेकर चलते हैं आपको साधारण पासा की तरफ। किसकी तरफ? साधारण पासा की तरफ। दोस्तों कंसेप्ट एक बार सीख लीजिए और उसके बाद आप सभी को क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस भी हम कराने वाले हैं। चलिए साधारण पासा, साधारण पासा जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, नॉन स्टैंडर्डाइज, ये होता है साधारण पासा। अब देखिएगा दोस्तों साधारण पासा में और उसमें क्या डिफरेंस है, यहां देखिए, थोड़ा सा खराब बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया है, यहाँ पे दोस्तों जो होता है से साधारण और से सात, ये थोड़ा सा ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, से साधारण और से सात, ठीक है, से साधारण और से सात। यानी कि जो दिखने वाले फलक है ना, जैसे ये जो दिखने वाले दो फलक है ना उनका योग कितना होता है दोस्तों, सात हो जाए तो ये साधारण पासा कहला जाता है। तो यहाँ देखिए छह प्लस एक ये बराबर किसके है, सात है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है साधारण पासा है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कौन सा पासा है दोस्तों, किसी भी दो फलकों का योग अगर दिखने वाले का सात हो गया तो ये साधारण पासा कहला गया, क्योंकि से सात से साधारण। या फिर अगर हम यूं कह दें चार तीन पांच, यहाँ देखिए तीन प्लस चार मीटर कितना हो रहा दोस्तों, सात हो रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं यह भी एक जो है साधारण पासा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इनके विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता है। जबकि जो पहले पढ़ा आपने स्टैंडर्डाइज मानक पासा, उनके विपरीत फलकों का योग सात होता है, लेकिन इसके विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता। थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखिएगा, अब समझ गया आपसे बिना कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट थोड़ा सा सिखा दिया, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पहला जो केस होता है ना, फर्स्ट केस, कौन सा केस देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट केस देखते हैं जब एक अंक समान हो, व्हेन वन डिजिट इज इक्वल, यानी कि जब एक अंक जो है समान हो तब हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, अपोजिट ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो देखते हैं यहाँ पर, जिनको बनाना नहीं आता ना ऐसे ही बनाइएगा, तो बड़ा कर दें। चलिए चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है टू है, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर वन है, ठीक है, यहाँ पर वन है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पर फाइव है, ये चीज हो गया ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपोजिट किसका क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट किसका, जब दोस्तों एक डिजिट कॉमन, यहाँ पे देखिए एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है, ठीक है ना। जब कभी भी यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे वन टू थ्री, और यहाँ पे क्या है
1 4 5 इसी तरीके से तो है, देखिए 1 2 3 इस तरह से लिख लिया, मतलब आए इधर से घुमाते हैं और एक को हम इधर से घुमाते हैं, हमें हमेशा इधर ही चलना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह घुमा 1 2 3 आया और इसको घुमाया 1 4 5, देखिए इसको हमने ऐसे घुमा दिया और इसको भी हमने ऐसे घुमा दिया। अब देखिए 2 के अपोजिट दोस्तों कितना हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट कितना हो गया, 5, लेकिन 1 के अपोजिट का 1 तो होगा नहीं, तो इसमें से कौन सा अंक ऐसा जो अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नहीं आया है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों 1 के अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करिए ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हार्ड वर्क की जरूरत होती है किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए। अगर आपने इससे पहले क्यूब एंड डाइस पढ़ा होगा तो फिर काफी अच्छा है, और जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ा है, रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट में वीडियो है, कैलेंडर और क्लॉक को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट है लगभग लग, उसको देख लीजिए। सेकेंड केस की तरफ आते हैं, जब 2 अंक समान हो, क्या हो दोस्तों, जब 2 अंक समान हो, चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब कितने अंक समान हो दोस्तों, 2 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो तो इस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करते हैं, ठीक है, जब 2 अंक समान रहते हैं तो इस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जोरदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल, अब आएगा मजा, चलिए देखते हैं, आप लोग साथ साथ बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा तो थोड़ा सही बनेगा। चलिए यहाँ पे 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, ठीक है, यहाँ पर है 1 3 4। दोस्तों क्या करना है, जब कभी भी ना 2 अंक समान है, ठीक है, जब कभी भी 2 अंक समान है, दोस्तों यहाँ पर जो है देख रहे हैं ना कि 2 अंक कॉमन है, कितने अंक कॉमन है, 2, जब कभी 2 अंक कॉमन है, यहाँ 3 1 है ना, 3 1 3 1 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है, तो बचा क्या, 2, 2 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ठीक है, 2 के अपोजिट कितना हो गया, 4। अब आप कहेंगे सर 1 के अपोजिट बता दीजिए और 3 के अपोजिट बता दीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात देखिए, यहाँ जो भी जितना भी दिख रहा है ना, 1 के अपोजिट वह कुछ भी नहीं हो सकता है, तो जो नहीं दिख रहा वही हो सकता है, तो 1 के अपोजिट या तो 5 होगा या तो 6 होगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया। अब बात करेंगे 3 के अपोजिट क्या होगा, जो भी दिख रहा है ना वो नहीं होने वाला है, ठीक है ना, इसके अपोजिट या तो 5 होगा या तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको चूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ठीक है। अब मल्टीपल अगर आपके सामने दे दे, मल्टीपल मतलब होता है बहुत सारा दे दे और बोल दे इसके अपोजिट क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए दे दे, थोड़ा छोटा किस तरह कर देते हैं, 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया, ठीक है, फिर 3 दिया, 1 दिया, 6 दिया, फिर 2 1 3, फिर 1 4 6, ये दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा दोस्तों कि आपको फाइंड आउट करना है 3 के अपोजिट क्या होने वाला है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप उस चीज को कॉमन ले आओ, किसी भी एक को पकड़िए जो 2 में मौजूद है, 3 इसमें 3 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, इसी को लेकर घुमाइए और हमेशा दोस्तों इसी रूप से घुमाने का प्रयास करिएगा, तो 3 6 5 इधर 3 1 6, ठीक है दोस्तों। अब आप एक बात देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 6 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया, इसमें से क्या नहीं दिख रहा, तो 4 नहीं दिख रहा, तो 4 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हमारा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने जब भी कोई भी सवाल आ जाए ना, तो बस आपको इस तरीके से घुमा देना है, जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, 3 2 6 5 1 6 3 2, अब ये कह रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, इसके स्थान पर क्या आएगा, अब घुमाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 2 3 को लेते हैं, इधर से घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इधर से ही घुमा रहे हैं, हमेशा इधर से ही घुमाते हैं, 6 2 3, इधर से घुमाएंगे तो 6 5 1, ठीक है। अब एक बात देखिए, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 1, 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जो नहीं दिख रहा है वही 4 हो जाएगा, 6 के अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा,
चार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा दोस्तों, चार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया होगा। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन में क्या करना है ना, हमेशा जो है दक्षिणावर्त आपको घुमाना है। दक्षिणावर्त क्या करना है दोस्तों, घुमाना है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समय नहीं, आज डाइस को कंप्लीट करना है ना। चलिए अब ओपन डाइस को देखते हैं, कभी कभी क्या होता है। अब यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, अब यहाँ पे जब कभी भी अपोजिट पूछे ना, तो ये इसका एक के अपोजिट क्या हो गया, तीन हो गया, दो के अपोजिट क्या हो गया, चार हो गया, पांच के अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो ओपन डाइस को यार हवा में उड़ा दो, ओपन डाइस को क्या करना है, हवा में उड़ाना एकदम एग्जैक्ट इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लिया, अब ये देखिए यहाँ पे एक का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा, दो के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा, पांच के अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों एंड करते हैं इस सेशन को, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना भूलें, और इसी तरीके से शाम 7 बजे आकर मेरा मनोबल दोस्तों जरूर बढ़ाए, और इसी में नेक्स्ट चैप्टर यहाँ तक दोस्तों करना क्या है, आप सभी को रिवाइज कर लेना है, क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना ओपन डाइस और जो भी डाइस है, और कल हम दोस्तों रीजनिंग को हम प्रयास कर रहे हैं ना, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए कल सिलोगिज्म की तरफ हम देखते हैं, चलिए एंड करते हैं सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।